क्लास नाइन्थ का टिशू चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक या कह सकते हैं कि पार्ट फोर। ठीक है, हम लोग सेल के बारे में पढ़ चुके हैं पूरा, टिशू के बारे में भी पढ़ रहे हैं। टिशू जो होते हैं उसके मेन टू टाइप्स होते हैं, मेरिस्टमैटिक टिशू एंड परमानेंट टिशू। मेरिस्टमैटिक टिशू में क्या होते हैं, इसके थ्री टाइप्स थे, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंट्राकेलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम हेल्प इन द इंक्रीजमेंट ऑफ साइज ऑफ द एपेक्स ऑफ द स्टेम एंड इंट्राकेलरी मेरिस्टेम हेल्प इन द इंक्रीजमेंट ऑफ साइज ऑफ द गर्थ ऑफ स्टेम। सॉरी गर्थ नहीं, इंट्राकेलरी मेरिस्टेम हेल्प इन द इंक्रीजमेंट ऑफ नोड्स या इंटर नोड्स, है ना, इंक्रीजमेंट द साइज ऑफ इंटर नोड्स। इंटर नोड व्हाट इज मीन्स ऑफ इंटर नोड बताया था मैंने पहले आप लोगों को कि इंटर नोड मीन्स होता है द स्पेस इन बिटवीन द नोड्स इज कॉल्ड इंटर नोड्स। ठीक है, तो वहाँ पे उसमें इंक्रीजमेंट होता है। एंड लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम इंक्रीज या सेल डिवीजन जो होता है, इट हेल्प इन द इंक्रीजमेंट ऑफ गर्थ ऑफ स्टेम, स्टेम की चौड़ाई बढ़ती है। ठीक है, तो ये था आपका हल्का फुल्का टिशू के बारे में। टिशू जो होते हैं दो टाइप के थे, मेरिस्टमैटिक टिशू, परमानेंट टिशू। मेरिस्टमैटिक के बारे में बता दिया मैंने, परमानेंट में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल में पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा पढ़ना है। हम आप लोगों को बताए थे कल पैरेनकाइमा के बारे में, पैरेनकाइमा के भी तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है, कोलेनकाइमा, पैलेसेट कोलेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। ठीक है, ये तीन टाइप था इसका। फंक्शन क्या है पैरेनकाइमा बता दिया था मैंने इसको भी। आज हम लोग शुरू करेंगे बच्चों कोलेनकाइमा के बारे में, जो मैंने अभी तक बताया उसको बताया हुआ टॉपिक था, थोड़ा फास्ट बता देंगे आप लोगों को। अब पढ़ना है हम लोग को कोलेनकाइमा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो वर्ड लगभग सेम दिख रहा है, कोलेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा। ठीक है ना, कोलेनकाइमा पैरेनकाइमा का स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है। कोलेनकाइमा नाम से लग रहा है बच्चों, कोलेन मीन्स होता है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंस हो। ठीक है, और यहाँ पे कोलेनकाइमा जो सिंपल टिश्यू का सेकंड पार्ट है, पैरेनकाइमा पहला था, सेकंड कोलेनकाइमा है। कोलेनकाइमा क्या होता है कि इसमें जो सेल होते हैं वो इलोंगेट होते हैं, थिकनिंग प्राइमरी सेल वॉल ओनली एट द कॉर्नर्स। देखो यहाँ पे कॉर्नर्स पे क्या है, सेल वॉल जो है थिक फॉर्म में, जहाँ जहाँ कॉर्नर से वहाँ वहाँ सेल वॉल थिक है। अब ये क्या होता है, अब कोलेनकाइमा कहाँ होते हैं, लोकेशन क्या है इसका, स्टेम में पाए जाते हैं। लीफ स्टॉक, स्टॉक मीन्स होता है पेटियोल कह सकते हैं उसको, एंड लीफ मिडरिब ऑफ डाइकॉट हर्बेसियस प्लांट्स। इट फॉर्म ए लेयर बिलो द एपिडर्मिस कॉल्ड हाइपोडर्मिस। कोलेनकाइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम। नेक्स्ट देखिए टर्म, जैसे इसके बारे में बताना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे मान लीजिए ये हम एक स्टेम लिए, ठीक है, एक स्टेम का अगर ऐसे काटते हैं तो उसको TS कहते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर किसी स्टेम को ऐसे काटते हैं तो उसे हम LS कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, हम इसको ऐसे काटते हैं, ये एक स्टेम है, तो स्टेम के बाहर तो पता है कि लीफ होता है, स्टेम होता है, फ्रूट्स, फ्लावर, ब्रांचेड होते हैं। ठीक है, लेकिन स्टेम के अंदर क्या क्या होता है इसके बारे में यहाँ देखिए। अगर स्टेम को काटने के बाद क्या होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ऐसे नहीं दिख पाएगा। ठीक है, अपर लेयर जो होता है प्राइमरी, उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। इसके बाद होता है एंडोडर्मिस, एंड देन ये होता है पेरिसाइकिल, थर्ड लेयर। ठीक है, एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में जो स्पेस होता है, वहाँ बहुत सारे सेल होते हैं, पैरेनकाइमा सेल, किसी में कोलेनकाइमा, किसी में एरेनकाइमा, वो अलग अलग स्टेम के अलग अलग सेल होते हैं उसमें। तो जो दो प्राइमरी, सॉरी, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में जो जगह दिख रहा है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी कॉर्टेक्स, एंड द स्पेस बिटवीन द एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, हमको यहाँ बताने का मतलब यही था, क्योंकि ये वर्ड हर जगह आ रहे थे, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, एक होता है हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस लेयर आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, जो हर स्टेम में नहीं होते, कहीं कहीं होते हैं, अलग अलग उसका स्पेशल फीचर होता है। ठीक है, जो बीच में होता है इसे कहते हैं पेरिसाइकिल, उसके अंदर होता है ये वैस्कुलर बंडल, जिसमें क्या होता है जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, कैम्बियम रिंग होता है, और बीच में जो ये दिख रहा है इसे हम पिथ कहते हैं। ठीक है, तो ये टी एस एफ स्टेम था, बताना बहुत जरूरी था, बता दिया मैंने, और इसको आप लोग नोट्स में बना कर लीजिएगा, क्योंकि ये सिलेबस में मतलब इस बुक में नहीं दिया हुआ है इसका डायग्राम। ओके, चलिए आगे देखिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, कोलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन स्टेम, लीफ स्टॉक मीन्स पेटियोल, और मिडरिब ऑफ डाइकॉट हर्बेसियस प्लांट। ठीक है, हर्बेसियस मीन्स क्या, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं। इन इट फॉर्म ए लेयर बिलो द एपिडर्मिस कॉल्ड हाइपोडर्मिस। ठीक है, इट फॉर्म ए लेयर बिलो द एपिडर्मिस, बताया मैंने आप लोगों को ना, जो एपिडर्मिस के बाद में जो लेयर होता है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस, और किसके पहले होगा, एनोडर्मिस के। कह सकते हैं कि द इन बिटवीन द लेयर प्रेजेंट इन बिटवीन द एपिडर्मिस एंड एनोडर्मिस इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। अब देखिए एक बहुत अच्छा फीचर है कि कोलेनकाइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम। कोलेनकाइमा जो होता है वो क्या होता है, मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होता है। स्टेम जो होते हैं दो टाइप के होते हैं ना बच्चों, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट मीन्स
आगे 10th में, सॉरी 8th में बड़े हो गया, नहीं तो फिर आगे क्लास में मिलेगा, वरना इसके बारे में कहीं बता देंगे आप लोगों को। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलेनकाइमा क्या होता है? द सेल ऑफ कोलेनकाइमा इज लिविंग एंड फेयरली इलोंगेटेड, ये लंबे होते हैं, लिविंग सेल होते हैं, पॉलीगोनल शेप में होते हैं, ओवल शेप में होते हैं, नहीं तो सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यहाँ देखिए, द कोलेनकाइमा सेल आर बाउंडेड बाई थिक प्राइमरी सेल वॉल एलोन, तभी तो उसका कॉर्नर थिक हो रहा था, देखो यहाँ पे, है ना। अब क्या मतलब क्या क्या होता है उसमें, सेलुलोज होता है और पैक्टिन, जैसे पैक्टिन सेलुलोज कहते हैं। साइटोप्लाज्म कैसा होता है बच्चों इसका, साइटोप्लाज्म जो होता है वो कैसा होता है, साइटोप्लाज्म लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, साइटोप्लाज्म में एक बहुत ही बड़ा सेंट्रल वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स जो होता है उसके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है पूरा खाली, उसमें बहुत सारे मतलब वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, कुछ एंजाइम्स वगैरह भी होते हैं, वो अलग अलग पे डिपेंड करता है। द इंटरसेलुलर स्पेस आर आइदर एब्सेंट आर मच रिड्यूस्ड ड्यू टू थिक एंड कॉर्नर्स। इंटरसेलुलर स्पेस मीन्स होता है बच्चों कि दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसी को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें या तो पाया जाता है, हो सकता है कि ना भी पाया जाए, क्योंकि इसमें थिक एंड क्या है, ये है कॉर्नर होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फंक्शन क्या है। मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करता है ये हर्बेसियस प्लांट में, उसके स्टेम में, और यह करता है फ्लेक्सिबिलिटी देता है और टेंसिल स्ट्रेंथ देने का काम, दोनों काम करता है ये। कोलेनकाइमा जो होता है सेल विद द क्लोरोप्लास्ट कैरी और फोटोसिंथेसिस, अगर कोलेनकाइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो क्या करता है, फूड को बनाने में हेल्प करता है। दिस सेल आल्सो स्टोर फूड एंड आल्सो ग्रोथ एंड इलांगेशन ऑफ ऑर्गन्स, इसमें भी ये सपोर्ट करते हैं, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं और स्टेम को इलांगेट करने का काम करते हैं। तो आप लोग आज पढ़ ली, मतलब आप लोग अभी तक पढ़ लिए हैं कि परमानेंट टिश्यू का दो टाइप, पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे हम लोग स्क्लेरेनकाइमा।